अली भाई दीनी टॉपिक पर यूट्यूब चैनल बनाकर अगर कमाई की जाए, जायज है, बिल्कुल जायज है, वीडियो इश्तेहार ना चलाया जाए, ये बिल्कुल क्लियर कट है। और इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको तो छोड़ दे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूं कि क्या गंदी फिल्में, नाच गाने वाली औरतें, इनकी वीडियोस घर में आप चलाने को जायज समझते हैं? उससे बड़ी बात, इसको घर में चला के इसकी आमदन को आप जायज समझेंगे? तो फिर आप अपने इस्लामिक चैनल के ऊपर वही सारा कुछ चला के उसकी आमदन को कैसे जायज समझ रहे हैं? सवाल है एक मेरा, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। फिर भी आपकी मर्जी है तो आप खुद करें, मैं तो आपको सिर्फ समझा सकता हूं ना। आप ये कहते हैं फलां मौलवी का फतवा है, फलां मौलवी का फतवा है, तो आप उस मौलवी से जाके पूछें वो इसको कैसे जस्टिफाई करेगा। उनके भी किसी बड़े आलिम का कोई फतवा नहीं है। इलियास कादरी साहब का आप चैनल खोल लें, कभी कोई वीडियो इश्तेहार नहीं चढ़ेगा। वो नहीं इसको जायज समझते, नहीं चला रहे। तो यार ये थोड़ा आप खुद भी गौर किया करें। हमने इमेजेस वाले इश्तेहार, जेपीजीज वाले इश्तेहार एज ए लॉर्ड हज़ार्ड उनकी इजाजत दी थी, इस वजह से कि एक तो उसमें ये वाला खदशा खत्म हो जाता है और वो एक सेकंड के लिए भी आप पाबंद नहीं होते इसको चले, फिर दूसरा वो वीडियो की शक्ल में नहीं होता, बहुत छोटा होता है। कभी एक बार उसके ऊपर कोई तस्वीर किसी औरत की आ जाए, वो भी बहुत छोटी, लेकिन अमूमन तस्वीर नहीं आती, वो बैनर इतना छोटा कि उसके ऊपर अंग्रेजी में जरा वो लिखा ही होता है। अच्छा, उस लेवल पे हमें इसलिए करना पड़ता है अपने चैनल्स को मोनेटाइज उतने ही लेवल तक, वो हमने भी अपने चैनल को किया हुआ है, कि उसके बगैर फिर यूट्यूब आपके चैनल को प्रमोशन नहीं देता, क्योंकि यूट्यूब को तो कोई फायदा नहीं उस चैनल से हो रहा होता। दूसरा, कॉपीराइट्स के जो इशू हैं उसमें आप स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, आप उस चैनल को ऑन कर रहे होते हैं। आपकी वीडियो अगर कोई मिसयूज करता है तो आप कॉपीराइट उसे बेच सकते हैं, मिसयूज। वैसे तो हमने इजाजत दी है, हमारे तो माशाल्लाह हजारों में चैनल लोगों ने बनाए हुए हैं, कितने घरों के चूल्हे चल रहे हैं। लेकिन अब यह तो नहीं है कि अगर आपकी 15 या 20 हजार जेपीजी से कमाई हो रही है और आप वीडियो इश्तेहार चला के उससे 2 लाख कमाना चाह रहे हैं, तो हलाल का 20 हजार कमा लें, 30 हजार कमा लें, 10 हजार कमा लें, वो ठीक है। लेकिन हराम का आप 2 लाख भी कमाएंगे, वो देखें निकलता कहां है आपका, दुनिया में ना निकला, आखिरत में तो जो आपके साथ होनी है वो होनी है। इसलिए मेहरबानी करें, ये हरकतें छोड़ दें और मेरी वीडियोस के साथ कोई हरकत ना करें। आपने अपनी वीडियोस के साथ कुछ करना है वो आपका अपना मामला है, वो आप करते रहे। मेरा शुरू से ये मौकिफ है कि मैं अपना मौकिफ रखता हूं, अपनी जात के लिए तो मेरा राइट है ना, किसी को मैं पाबंद नहीं करता।